डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड पर। स्टार्ट। भारत और चीन के बीच पसरे तनाव को लेकर अमेरिका के मुखर होते स्वर भारत के साथ साथ तमाम दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। सीमा पर चीन की सैन्य तैयारियों का हवाला देकर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का यह कहना है कि संकट की इस घड़ी में भारत को अमेरिका की ज़रूरत है और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन का यह बयान कि बातचीत से चीन का हमलावर रुख बदलने वाला नहीं है। स्पष्ट संकेत है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका अपना फौजी जमावड़ा बढ़ाने के लिए बेताब है। के साथ लंबे समय से चल रही अपनी कूटनीतिक तनातनी को लेकर अमेरिका उसके खिलाफ मोर्चा खोलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। तह में छिपे अमेरिकी इरादों को इससे भी समझा जा सकता है कि पिछले हफ्ते टोक्यो में क्वाड नाम के चतुर्भुजीय संगठन, इसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, के विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिका का सारा जोर हिंद प्रशांत दक्षिणी चीन सागर और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के आक्रामक रवैये की तरफ ध्यान खींचने पर रहा। उसका कहना है कि चीन उत्तर में भारत के खिलाफ बड़ी ताकत जमा कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका ने मजबूत गठजोड़ तैयार किया है जो इस खतरे का जवाब देगा। भारत को
अमेरिका के उतावलेपन को दरकिनार कर फिलहाल चीन के खिलाफ ऐसे किसी भी कदम से बचना जरूरी है जो हमें युद्ध की तरफ ले जाता हो। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। अमेरिका इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वह दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कहीं न कहीं युद्ध के बहाने खोजने की कोशिश अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के साथ कर सकता है।